हेलो गाइज, वेलकम। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं पिजन ब्रेक स्टिकमैन। इस गेम में एक स्टिकमैन है जिसका शरीर भाई लकड़ी जितना पतला है, और ये फिर भी जरा सा भी शरीफ नहीं है। इसने बहुत सारी चोरियाँ की और बहुत गलत काम किया। फिर इसने एक बैंक में चोरी किया और ये पकड़ा गया। तो आज हम लोग इसको उस प्रिजन से एस्केप कराने वाले हैं बहुत ही फनी तरीके से, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं गेम में। 10 days लेफ्ट भाई, अभी 10 दिन हुआ नहीं कि देख रहे हो इसकी सतानी। तो चलो, अभी हम लोगों को तीन ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। एक है सर भेड़ के, और एक ये पता नहीं प्लेट टाइप का कुछ तो, और एक है मुक्के से। तो अगर भाई एक बार को मैं मान लूँ कि ये सर भेड़ के तोड़ सकता है, क्योंकि भाई इसका सर आप लोग देख सकते हैं कैसे गोले की तरह, लेकिन भाई मुक्के से ये तो मैं नहीं मान सकता। चलिए देखते हैं। पहले अभी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है ये प्लेट वाला, शायद इससे टूट जाता, लेकिन भाई किसी ने इसको देख लिया और फेल हो गया। तो रिट्राई, अभी हम लोग आ चुके हैं फिर से दोबारा, और हमारे पास फिर से वो तीन ऑप्शन आ गई। तो पहला, इस बार हम लोग ये बुक का ट्राई कर लेते हैं, क्या पता यार। ओ भाई साहब, क्या ही बात है भाई, ऐसा देखने में लग नहीं रहा था कि ये मुक्के से तोड़ पाएगा, बट भाई क्या ही बोल सकते इसको। तो अभी हम लोग इस प्रिजन मतलब इस जेल से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक डॉगी आ चुका है, और इसको मैं हड्डी दूँ तो शायद ये मान जाएगा। और भाई ये तो खुश हो गया यार, और ये हड्डी के पीछे गया, और हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। भाई दिमाग है भाई। हम लोग आ चुके हैं छत के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। तो हम लोगों को नीचे जाना है, तो शायद सीढ़ी सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग सीढ़ी को ही सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो वो भाई दूसरी साइड जाना था यार, सीढ़ी का इस्तेमाल करके ये दूसरी साइड चला गया, और भाई मिशन कंप्लीट हो गया यार। हम लोग आ चुके हैं किसी तो एक रूम में, और यहाँ पे शायद वॉशिंग एरिया है, और सामने एक गार्ड खड़ा हुआ है, प्रिजन गार्ड। तो मैं क्या कपड़ों में छुप के जा सकता हूँ? आई थिंक देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो अभी मैं कपड़ों में छुप चुका हूँ, और ये गार्ड मेरी चेकिंग कर रहा है। तो भाई इसको मैं दिख गया यार, और इसने एक मुक्का भेड़ दिया मेरे सर पे। फिर से आ चुका हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे गार्ड वो खड़ा हुआ है। तो इस बार मैं वॉशिंग मशीन से क्या होने वाला है, इसको ट्राई करूँ। ओके, तो अभी मैं वॉशिंग मशीन ही ट्राई करने वाला हूँ। तो वॉशिंग मशीन ये भाई, इसमें तो हम लोगों को यार हमारी धुलाई कर दी इसने यार, भाई ये गलत बात है यार। एक लास्ट ऑप्शन बचता है, और ये वो है, और वो है ये ट्रॉली। तो आई थिंक हम लोग इसके पीछे छुप के जा सकते हैं। तो अभी मैंने ट्रॉली को सिलेक्ट कर लिया, और ये भाई ये गार्ड अंधा है भाई, बिल्कुल भी इसको दिखाई नहीं देता यार। ट्रॉली अपने आप कैसे चल सकती है भाई। चुके हैं पीछे वाले साइड में, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बैरियर है, तो इसको हम लोग इसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं शायद से, लेकिन मुझे पक्का पता है इसमें कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगा। तो चलिए अभी हम लोग चलने का, इसके ऊपर चढ़ने का ट्राई करते हैं, आई थिंक हो जाए तो हो जाए, क्योंकि ओके। तो मैंने अभी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया था काटने वाला, और भाई मैंने जिस कटर से इसको काटना चाहा वो मेटल का था, और ये करंट लगा, और ये वहीं पे राख हो गया। भाई मुझे पता था यार कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होने वाला है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फिर से वहाँ पर, और इस बार मैं इसको जंप कराने वाला हूँ। लेट्स गो। और भाई साहब क्या ही खतरनाक जंप किया यार, मतलब जिस बात की उम्मीद नहीं होती है ना, ये बंदा वही कर जाता है। ये शायद से कोई लैब है, और यहाँ पे एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है, तो इस बॉडीगार्ड से हमें फाइट करनी चाहिए। तो अभी हमारे पास एक पंजा का ऑप्शन है, तो इससे हम लोग फाइट करके देखते हैं, क्या पता ये हमसे हार जाए भाई, क्योंकि ये उतना बड़ा जंप कर सकता है, तो इसको तो पीट ही सकता है। और भाई भाई ये, हाँ तो तगड़ी लड़ाई हो गई यार, और भाई दोनों चक्कर आ गए यार दोनों को, लेकिन हम पीटे नहीं गाइज, ये मानना पड़ेगा भाई, इसने अकेले ही इतना पतला होकर। तो अभी ये दूसरा ऑप्शन फ़ोन वाला है हमारे पास, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओ भाई इसने तो हमारा फ़ोन ही छीन लिया यार, चल भाई कोई बात नहीं, फ़ोन तो हम ले लेंगे कभी भी। तो अभी आ चुका हूँ मैं एक रूम में, और यहाँ पर टीवी लगी हुई है, और हमारे पास तीन ऑप्शन है। तो शायद से अगर मैं रिमोट से टीवी ऑन कर दूँ तो ये बंदा टीवी में मस्त हो जाएगा, और भाई वैसा ही हुआ, ये भाई लड़की को देख रहा है टीवी में, और हम लोग यहाँ से पीछे से निकल चुके हैं, तो ये अच्छा है। हमारे पास तीन रास्ते हैं, एक है मेडिकल सामने,
और हम लोग लैब से निकल रहे हैं और एक उधर पता नहीं कोई तो रूम है, लेकिन हम लोग अभी सीधे चलते हैं, देखते हैं कि सामने क्या है। ओके, तो ये धीरे धीरे आ रहा है। भाई यहाँ पे कोई नहीं है यार, जहाँ धीरे जाना होता है वहाँ तो तू फुल चिल हुआ जलता है। और भाई मैंने जैसे ही बोला यार, ये तो भाई सीटी बजाने लगा। भाई मैं इस मेडिकल वाले में, ट्रीटमेंट वाले कमरे में, और यहाँ पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है। तो क्या मैं यहाँ से डॉक्टर का अगर कपड़ा पहन के जाऊँ तो ये शायद से मुझे नहीं पहचानेगा। आई थिंक यही सही है। तो चलिए हम लोग अभी हम लोग डॉक्टर वाला ही कपड़ा सेलेक्ट करते हैं। और भाई पहचाने ना तो सही होगा। और भाई इसने तो मेरे को पहचान लिया यार, फेल हो गया। तो दोबारा हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और इस बार मैं यहाँ पे एक दूसरा नंबर भूत वाला है, तो हम लोग भूत बन के जाते हैं। और भाई ये सीधे सीधे जाना यार, ये क्या कर रहा है, ये कौन सी हरकत है भाई। भाई ये तो फुल उसको डराने में लग गया, और मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। भाई उसने इंजेक्शन भर दिया इसको। इस बार हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये पक्का काम करेगा, मुझे पता है 100%। और इसने कुछ तो उसके ऊपर स्प्रे मार दिया और भाई वो बेहोश हो गया। और भाई हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं। ओके, तो अभी हम लोग किसी सीक्रेट टनल में आए हैं, और सामने वेट यहाँ पे एक चूहा है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है अभी, तो इस बार मैं सोचता हूँ कि चूहा को चीज़ पसंद होता है, तो उसको चीज़ देते हैं। भाई हर बार मारपीट से काम नहीं होता। और भाई उसको चीज़ शायद से पसंद आ गई और वो यहाँ से चला गया है। भाई लेट्स गो। यहाँ पे एक ऑफिसर बैठा हुआ है जो एक बुक पढ़ रहा है, और यहाँ पे पता नहीं कोई म्यूजिक वाला सेट लगा हुआ, और हमारे पास तीन म्यूजिक बजाने के ऑप्शन हैं। एक पहला है गोल गोल वाला, शायद अगर ये मैं बीच वाला बजाता हूँ तो इससे ये सो जाएगा और मैं इजीली एस्केप कर लूँगा। तो देखते हैं इसको बजा के। तो अभी मैंने बीच वाला सेलेक्ट किया, और ये भाई ये क्या म्यूजिक है यार। ओ भाई दोनों को चक्कर आ गए। भाई फिर से आ चुका हूँ उस कमरे में, और भाई ये कैसे धीरे धीरे चल रहा है यार। तो फिर से हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए, और इस बार मैं ऑडियो वाला सेलेक्ट करता हूँ, क्या पता इससे वो सो जाए, यही होना चाहिए। और भाई कितना अच्छा सॉन्ग है यार, और भाई वो सो गया यार, सच में सो गया। और ये देखो ये कितना आराम से निकल गया। भाई कितने बेवकूफ़ ऑफिसर है यार। तो अभी हम आ चुके हैं एक रूम में, और यहाँ पे बहुत सारे डायरिया रखी हुई है, और यहाँ पे बहुत सारा पेपर समेट रहा है बंदा। तो शायद मैं अगर यहाँ से फैन ऑन कर दूँ तो ये सारे पेपर उड़ जाएंगे और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। भाई पेपर उड़ के उसके चेहरे पे ही चला गया। तो चलो यहाँ से हम लोग निकल लिए। और तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक रूम में, जहाँ पे एक ऑफिसर बैठा है और कुछ लिख रहा है। और हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है। यहाँ पे शायद मैं इसका ये पेंटिंग गिरा दूँ तो इसका ध्यान उस साइड चला जाएगा और मैं निकल जाऊँगा। आई थिंक ये सही डिसीजन होना चाहिए। और वेट भाई, ये बीच में पत्थर लाके किसने रख दिया यार, और वो स्लिंग शॉट वाला जो ये ऑप्शन है बीच वाला, अगर इसको सेलेक्ट करूँ तो शायद मैं इसका बल्ब फोड़ दूंगा और यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, तो मैं जा सकता हूँ इजीली। और मैंने ये बल्ब फोड़ा और वो मेरे सामने ही गिर गया। भाई ये तो भाई अभी हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है, ये मटके वाला, और इसको हम लोग गिरा देंगे। और भाई वो तो बेहोश ही हो गया यार, और हम लोग यहाँ से दौड़ के भाग गए, बट डर लग रहा था भाई बंदे को। तो अभी हम लोग आ चुके हैं किसी और प्रिजन के सामने, और यहाँ पे एक और कैदी बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग निकालना है हम लोगों को। तो भाई वहाँ पे की रखा हुआ है यार, की जा की उठा और इसको निकाल दे भाई, तो ये शायद से सही डिसीजन होना चाहिए। और मैंने की से ये लॉक खोल दिया, और भाई ये देखो कैसे नाच रहा है यार, दोनों नाचने लगे। भाई शायद से अब हम इसके साथ ही जाने वाले हैं क्या। तो अभी मैं आ चुका हूँ एक अलग प्रिजन के साइड, और यहाँ पे एक लड़की ऑफिसर बैठी हुई है। तो भाई मुझे पता है यार, लड़कियों को अगर कॉकरोच दिखाओ तो वो डर जाती है, तो इस बार मैं इसके पास कॉकरोच भेजने वाला हूँ। तो ये किया मैंने कॉकरोच को सिलेक्ट, और भाई कॉकरोच जा रहा है उसके पास, और क्या वो बेहोश होती है। ओ भाई सही में यार, उसने कॉकरोच देखते ही वो बेहोश हो गई, और हम लोग वहाँ से बाहर आ चुके हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं एक और गार्ड के पास, और ये यहाँ पे बैठ के, भाई ये प्रिजन बहुत ही बड़ा है यार,
यहाँ पे इसके पास 3 कार्ड है, तो आई थिंक वहाँ पे रेड बटन था, तो मैं रेड वाला कार्ड लेके जा सकता हूँ। और मैं यहाँ पे गया, ओ वेट भाई, दरवाज़ा नहीं खुला यार, ऊपर से इसने हमको गन दिखा दिया भाई। वहाँ पे फिर से आ चुके हैं, और इस बार मैं येलो कार्ड लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वहाँ पे येलो कलर का स्विच लगा है, तो आई थिंक येलो कार्ड काम करना चाहिए। और भाई लेट्स गो, दरवाज़ा खुल गया यार, अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ओके, तो इस बार मैं आ चुका हूँ एक स्टोर रूम में साथ से, और यहाँ पे मकड़ी के बहुत सारे जाल लगे हुए हैं, तो ऊपर से रास्ता है, और भाई तू बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो भाई ऊपर से निकल सकता है तू। ओके, मैंने बीच वाला सेलेक्ट कर दिया, और भाई ये मकड़ी कहाँ से आ गई यार, वेट ये फेल होने वाला है पक्का। राइट, तो मैं फिर से वहाँ पे आ चुका हूँ, और इस बार ये अगर हाथ से दरवाज़ा तोड़ दिया था तो भाई पैर से भी तोड़ सकता है, तो चल तू पैर से दरवाज़ा ही तोड़ ले भाई। भाई मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, तो अभी मैं आ चुका हूँ बहुत सारे मकड़ियों के जालों के बीच, और यहाँ पे एक मकड़ी है, तो मैं शायद से अगर आग लगाऊँ या फिर डंडे से भगाऊँ तो ये मकड़ी शायद डंडे से भाग जाएगी, तो मैं इसको भाई 2-3 डंडे मारा और वो चली गई। ओ भाई, ओ भाई, इसने तो जाके अपने पूरे झुंड को ही बुला लिया। फिर से आ चुका हूँ वहाँ पे, और आई थिंक अगर मैं यहाँ पे आग लगा दूँ तो शायद मकड़ियाँ आग से डरती है, तो वेट मैंने आग सेलेक्ट कर लिया है, और भाई आग पूरे कमरे में फैल चुकी है, और यार मकड़ी भी जल गई लेकिन फिर भी फेल हो गया, वो शायद से हम लोग भी आग में घिर चुके थे। भाई तो मैं फिर से आ चुका हूँ, और इस बार हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है, ये पता नहीं जीव निकालने वाला है। ओ भाई ये तो इसको जीव चिढ़ा रहा है, और वो मकड़ी वहाँ से चली गई यार, ये बड़ा अजीब तरीके का था। खैर जो भी हो, अभी हम लोग आ चुके हैं एक और प्रिजन के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक तो या तो लेडर है या तो हथौड़ा है। भाई हथौड़े से तो दरवाज़ा इजीली टूट जाएगा क्योंकि दरवाज़ा क्रैक्ड है, और ये मारा हथौड़ा, ये मारा हथौड़ा, और भाई टूट नहीं रहे यार, इसने मुक्के से तोड़ दिया था यार। इस बार हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं ये सीढ़ी, और ये सीढ़ी पकड़ के पक्का ऊपर चला जाएगा, तो लेट्स गो, और ये जा रहा है ऊपर। ओ भाई लो, इसकी जितनी वजन नहीं है उससे ज़्यादा वजन की सीढ़ी थी, फिर भी लेकिन सीढ़ी टूट गई। हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, ये शवल, और हम लोग इसको खोद के साथ तो दूसरी साइड में कहीं पे निकल सकते हैं। ओके, तो ये खोद दिया गड्ढा और ये खुश हो गया भाई। तो अभी हम लोग आ चुके हैं उस गुफा के अंदर जिस सुरंग की इसने खुदाई की थी, और यहाँ पे एक ऊपर ऑफिसर घूम रहा है टॉर्च लेके, और उसके साथ में एक भाई खतरनाक डॉगी है, ये शायद से पिटबुल है, तो मेरे पास एक टॉर्च है, मैं टॉर्च लेके जा सकता हूँ। ओ भाई टॉर्च में करंट लगा के रखा था इसने। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं, और इस बार हम लोग भाई कोई भी यहाँ का सामान यूज नहीं करने वाले हैं, ना ही कैंडल। यहाँ पे एक बॉक्स है, और इसमें शायद से जुगनू भर के ले जा सकते हैं, तो ये रिस्की नहीं होगा, और भाई ये शायद से वर्क कर रहा है। हम लोग इसको लेकर और यहाँ से निकल गए भाई, लेट्स गो। तो चलो गाइज, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, अभी हमने पूरा प्रिजन एस्केप नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलो गाइज।